سلامي سلامي لقوم كرامي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وقال تبارك وتعالى في هذه السورة: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعدي الأمين. قابل صد احترام سامعین کرام، سال 2016 کا یہ آخری جمعہ ہے اور ربیع الاول اپنے اختتام کو پہنچ چکا. دنیا کے بعض حصوں میں آج ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے، اور بعض جگہ ربیع الثانی کا یہ پہلے جمعہ ہے، 1438 ہجری. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ایمان کی حقیقت. ایمان ایسی بڑی دولت ہے جس کو اللہ نے عطا فرما دے، باقی دنیا کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں کم کریں. دنیا میں کامیابی ایمان سے، آخرت میں کامرانی اور کامیابی بھی ایمان سے. ایمان بنیاد ہے ہر چیز کی، ایمان نعمت ہے رب العالمین کی، ایمان کنجی اور چابی ہے جنت کی، ایمان ذریعہ ہے رب کی رضا کا، ایمان قوت ہے بڑے سے بڑے صدمے کو سہنے کا، ایمان نام ہے اطمینان کا، ایمان نام ہے فوز و فلاح کا. مختصر تعارف آج ہم پیش کریں گے. بڑا وسیع موضوع ہے،
सैकड़ों अहादीसें और सैकड़ों आयात हैं ईमान की हकीकत पर, ईमान की तारीफ पर, ईमान के अरकान पर, ईमान की हलावत पर, ईमान की कुव्वत पर, ईमान के ज़ौक पर, ईमान के नतायज और समरात पर, और इनमें से हर एक मौजू तफसील कर। सबसे पहले तो हम देखें कि ईमान कहते किसको हैं। ईमान अमाना से है, अमीन या अमन, इसका लफ्जी माना होता है महफूज होना, मामून होना, अमन में होना। और ये सुलासी मुजर्रद का लफ्ज है, यानी से हरफी, और अरबी के अंदर ज्यादा अल्फाज के जो रूप हैं उसे हरफी, और कुछ जहां हरफी भी है आमनयूमिनु ईमान, अमीन यामन अमनन। तो गोया ईमान का लफ्ज आमना या मन से है, अकरम युक्रिमो के वजन पर, आमना युमिनु के वजन पे और बाप से है। ईमान का माना तस्दीक है, और तस्दीक जाहिर वो करेगा जिसको यकीन होगा दिल के अंदर किसी बात का, और इसके माने के अंदर हिफाजत है। लेकिन जब इसके साथ बा का लफ्ज मिल जाता है तो उसका माना तस्दीक का हो जाता है। जैसे आप कहते हैं आमंतु बिल्लाह, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं तस्दीक करता हूं बारी ताला के वाहिद होने पर। तो ईमान बुनियाद जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी है, और ये दो लफ्ज हैं आप सुनते हैं, एक ईमान का लफ्ज है, दूसरा इस्लाम का लफ्ज है। ईमान का ताल्लुक दिल के साथ है, और इस्लाम का ताल्लुक जाहिरी आमाल के साथ है। तो वह इस्लाम और ईमान दोनों इंटरलिंक है, दोनों का मानी ताल्लुक है। और ये भी इस्लाम ही की खूबी है कि इन दोनों लफ्जों के अंदर अमल का पैगाम है। ईमान के अंदर भी अमल का पैगाम है, और इस्लाम के अंदर भी अमल का पैगाम है, सलामती का पैगाम है। ईमान का लफ्ज जैसे मैंने अर्ज किया कि अमन से निकला है, अमीन या अमन से निकला है, जिसका माना महफूज होना, और इसी से है मोमिन, और यह अल्लाह की सिफतों में से एक सिफत भी है कि अमन देने वाला, हिफाजत करने वाला। और ईमान से मोमिन का माना है यकीन करने वाला, तो अल्लाह हिफाजत करने वाला है और बंदा अल्लाह पर ईमान रखने वाला और यकीन करने वाला है। तो ईमान है क्या चीज? ईमान दिल के एतकाद का नाम है। लफ्जी माने तो यह हो गए जो मैंने अर्ज किया, और इस्तिलाही तौर पर वो हदीस आप सामने रखें कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स आता है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम उसको पहचानते नहीं, हम उसको जानते नहीं, हमारे इलाके का नहीं है, और बाहर का आदमी लगता है, लेकिन उसके जिस्म पर बाहर के सफर के आसार नजर नहीं आते। उसने चंद सवाल किए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से, और सवालों का जवाब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दिया, और देने के बाद जब वो जवाब सुनता है तो फिर तस्दीक भी करता है, फसदक करता है।
तो जो सवाल उसने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से किए, उन सवालों में से एक सवाल ईमान के बारे में था। अब इतनी आगे ईमान कि मुझे ईमान के बारे में बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मोहम्मद, अब इतनी आगे ईमान। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको ईमान के इस सवाल पर जवाब दिया, अंतुमिन बिल्लाह, कि तू अल्लाह पर ईमान लाए, वह मलाइका वह कुतुब वह रुसुल, कि अल्लाह की किताबों पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर तू ईमान लाए, वह तूमिन बिलकद्र खैर व शर, और अल्लाह की तरफ से खैर और शर की तकदीर पर तू ईमान लाए। ये ईमान के अरकान इसको कहते हैं, आर्टिकल ऑफ फेथ आप इसको कह सकते हैं, ये ईमान है। और उलमा ने लिखा है कि ईमान का ताल्लुक है दिल के साथ, के दिल का यकीन हो, जबान से इकरार हो और अमल से उसकी तस्दीक हो। ये तीन चीजें इस ज़हन में रखने की है, दिल में यकीन और जबान से उसका इकरार, अमल से उसकी तस्दीक, ये तीन चीजें शर्त के तौर पर हैं एक मोमिन के लिए और एक मोमिन होने के लिए और साहिब ईमान होने के लिए। और इस्लाम और ईमान बाहमी ताल्लुक है, रब्त है, इसलिए दोनों लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किए, ज्यादा ईमान का लफ्ज जिक्र किया। وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن ہو جاؤں, اور کہیں فرمایا أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہو جاؤں, اور دونوں کی ضرورت ہے, دونوں کا باہمی تعلق ہے, کوئی مسلمان بغیر ایمان کے نہیں اور کسی کا ایمان بغیر اسلام کے مکمل نہیں, اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں, دونوں کا تعلق ہے, گہرا ہے, اس لیے اللہ نے جہاں بھی ذکر فرمایا ایمان کا وہاں نے سارے کا ذکر فرمایا, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے, کہیں فرمائے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا پھر ڈٹ گئے, یہ مومن ہے, یہ ایمان ہے, پھر جان کی پرواہ نہیں کی, مال کی پرواہ نہیں کی, خاندان کی پرواہ نہیں کی, علاقے کی پرواہ نہیں کی, من جگو یا مسلمانم بلرزم کدانا مشکلات الہ الہ, پھر اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ اب کیا نتیجہ نکلے گا, عہدہ ہاتھ سے چلا جائے گا, دولت سے محروم ہو جاؤں گا, خاندان کے درمیان اختلافات ہوا ہوں گے, ملک اور وطن چھوڑنا پڑے گا, نہیں کوئی پرواہ نہیں, ایمان ہے اور یقین, اور یقین کی کیفیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے بعد آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے ایک سال کے بعد, تو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ ایک سال گزر چکا, ایک سال پہلے اس ممبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے, اور بس یہ کہتے رونے لگے, آنکھیں بھر آئے, آنسو ٹپکنے لگے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی, یہی وہ ممبر تھا جس پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے, آج ہمارے ماں بہن بھی ہیں, یہ جو دکھ تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی جدائی کا, یہ صحابہ کرام سے دیکھا نہیں جاتا تھا, یہ حضور کے ساتھ ان کے تعلق اور محبت کی نشانی تھی کہ جب اس مرحلے کو یاد کرتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حیات تھے تو دکھی ہو جاتے, چنانچہ پھر فرمایا کہ اور یہ صحابہ کرام
اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام کا انداز یہ ہوتا تھا کہ مختصر بات کرتے ہیں، لیکن اس مختصر سی بات کے اندر معانی کا سمندر ہوا کرتا ہے. اردو میں ہم جس کو کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرتا، دریا کوزے میں بند ہوتا ہے، کوئی بڑی تقریب نہیں کی ممبر میں کھڑے ہوتے، صرف اتنا کہا صلو العفو والعافیہ کہ اللہ سے عفو اور عافیت مانگو، یہ یتیم کے بعد سب سے بڑی دولت ہے. یتیم کے بعد یعنی یقین سے مراد ایمان، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عفو اور عافیت ہے، اللہ سے عافیت مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، اللهم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ. عافیت مانگنی چاہیے، دنیا کے اندر بھی اس کی ہمیں ضرورت ہے، آخرت کے اندر بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے. جہنم سے عافیت، دنیا کے اندر مصائب سے عافیت، اللہ سے انسان مانگے تو یقین کے بعد ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی خیر عفو ہے، اللہ سے مانگو. بس یہ جملہ کہا تو یقین کی دولت یہ ایمان ہے، اور ایمان کے جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان، اس کی صفتوں پر، اس کی ذات وحدہ لا شریک پر، اس کے افعال پر، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کا اعلان، عمل سے اس کا اظہار، دل میں اس کا یقین، یہ ایمان. فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان کہ اللہ نے جو کتابیں بھیجی وہ سچی تھیں، انبیاء کو اللہ نے کتابیں دی، چار کتابیں آسمان سے اتری، باقی صحف اترے، اللہ نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، اور ان سب میں آخر میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا. ایمان بالقدر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان اور یقین، یہ ایمان کے ارکان. اور یہ یقین کی کیفیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان صرف اس حیثیت سے نہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نہیں، بلکہ حضور کے ساتھ محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو جہاں ایمان آپ لے آئیں گے، اور یہ صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آپ مومن ہو گئے، نہ، قرآن کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے، ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، جب تک ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا جائے گا مومن نہیں کہلائے گا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. قرآن سے پوچھے ایمان کس کو کہتے ہیں، بدلی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن. اللہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لایا ابھی تک، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو. تم نماز پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہوا، ایمان دل کے اندر ہو پھر انسان گناہ کرے، ایمان دل کے اندر ہو پھر بدکاری کرے، ایمان دل کے اندر ہو پھر چوری کرے، ایمان دل کے اندر ہو پھر ڈاکہ ڈالے، ایمان دل کے اندر ہو پھر کسی کی عزت کو تاتار کرے، نہ نہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بدکار بدکاری کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے، جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، جب کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا.
ये ईमान के तकाजों के बरक्स है। हाँ उस पर कुफर का फतवा नहीं लगाते, ये फिस का फतवा है, लेकिन ईमान की रूह और तकाजे उसने पूरे नहीं किए। इसलिए हुजूर सल्लम ने मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ वो आमाल बताए जो निशानियां हैं ईमान की, और उनके न होने से ईमान से इंसान दूर हो जाता है। कहीं फरमाया जो बदअहदी करता है वो मोमिन नहीं, कहीं फरमाया मन अश्रा फलैसे मिन्ना, जिसने हमसे धोखा किया वो हम पैसे नहीं। कहीं फरमाया जिसने इंसानों को नुकसान पहुंचाया वो हम पैसे नहीं, जिसने अपने भाई के लिए वो चीज पसंद नहीं की जो अपने लिए पसंद करता है वो मोमिन नहीं। ईमान के तकाजे हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक एक करके बताए कि ईमान तुम्हारे अंदर कैसे होगा, तुम कैसे रिटेन कर सकते हो ईमान। जब ईमान दिल के अंदर आ जाता है इसकी आबियारी करनी है, इसको संभालना है, और ये ईमान कैसे महफूज रहेगा हमारे सालेह के साथ, नेक आमाल के साथ। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया इंटरलिंक है ईमान और हमारे सालेह। इसीलिए फरमाया वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुम अल-ईमान وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ। اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور اسی کو مزین کیا، اور اس نے تمہارے لیے کفر کو فسق کو ناپسند کیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ نافرمانی کو۔ और जो लोग इस रेंज में चलते हैं उलाई कौम राशिद हैं, यही नेक लोग हैं। इसलिए जो दुआ जिक्र की गई वो यही अल्लाह महबूब इलैना ईमान, ऐ अल्लाह मेरी तरफ ईमान को महबूब कर दे, यानी ईमान और यकीन मेरे दिल के अंदर बसा दे। वज़य्यनहु फी क़ुलूबिना, अल्लाह हमारे दिलों के अंदर इसको मुज़य्यन कर दे। وَقَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، या अल्लाह हमारे लिए हमारे दिलों के अंदर कुफर फिस्क नाफरमानी से नफरत पैदा कर दे। लेकिन जब हम अपने आप को पेटोलें, जिस मौसम के अंदर हम रह रहे हैं, जिस अंदाज से हम हरकतें कर रहे हैं, कितने फिस्क हैं, कितनी नाफरमानियां हैं जिनको हमने न सिर्फ गले लगाया हुआ है बल्कि उनके अंदर बचपस है। झूठ हमारे मिजाज का हिस्सा बन गया, धोखा देना हमारे कमाल की अलामत बन गया, गलत ताल्लुक रखना मिजाज बन गया, जरूरत हमने अपनी बना ली, जबकि ये ईमान के तकाजों के बरक्स है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सहाबा इकराम को जिस अंदाज से थी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तबी आए, तबीन का दौर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शागिर्द आया, कहने लगा आप कितने खुश नसीब हैं, आपकी आंखें कितनी खुश नसीब हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा। हम लेट आए, ताखीर से आए, हम हुजूर को नहीं देख सके, हमें तल्ख है, दुख है, काश हम थोड़ा पहले पैदा हो जाते, हम ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर लेते। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा अच्छा अगर ये बात है तो फिर सुनो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तूबा लिमन आमना बी वरआनी, कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जो मुझ पे ईमान लाए और मुझे देखा। फिर फरमाया नहीं, तीन बार आपने उनके बारे में फरमाया तूबा लिमन आमना बी वलम यरन, कहीं फरमाया सात मरतबा कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो जो मुझ पर ईमान लाए लेकिन मुझे देखा नहीं, मुझ पे ईमान लाए लेकिन मुझे देखा नहीं, मुझ पे ईमान लाए मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो जिन्होंने मुझे देखा है। अभी उनकी शादी, लेकिन यकीन की कैफियत क्या थी,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछा कि यतीम की कैफियत कैसी होती है, हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे ज्यादा ताज्जुब किसके ईमान पर है? सब फरिश्तों के ईमान पर। फरिश्ते तो अल्लाह की कुदरत को देख रहे हैं, अल्लाह की कुर्बत रखते हैं, उनके ईमान पर ताज्जुब की कोई बात नहीं। अगर वो अल्लाह पर यकीन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जिनके सामने अल्लाह की पूरी शान है, अल्लाह की कुदरत है, जमीन और आसमान है। फरमाया अंबिया का ईमान, अंबिया का ईमान, अंबिया तो खुद अल्लाह से हम कलाम होते हैं, उनको अल्लाह ने यह शर्त बख्शा है कि वो बरह रास्त अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से वही वसूल करते हैं, अल्लाह उनके साथ फरिश्ते के जरिए या बरह रास्त उनसे बात करता है। काबिल ताज्जुब उन लोगों का ईमान है जिन्होंने न फरिश्तों को देखा, न अल्लाह को देखा, न उसके रसूलों को देखा, फिर भी अल्लाह को मानते हैं, उसके रसूल को मानते हैं, फरिश्ते को मानते हैं, जन्नत को मानते हैं, जहन्नम को मानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कह दिया। तो ये ईमान है। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया कि मुझे अपने ईमान की कैफियत तो बताओ, तुम्हारे ईमान की कैफियत क्या है, तुम्हारे ईमान की हकीकत क्या है? तो कहने लगे मैं ईमान की हकीकत ये समझता हूं कि मुझे अल्लाह सुभानहु व तआला की जात का, आपके अर्श का इतना ही यकीन है जैसे मैं अपनी आंखों से उसको देख रहा हूं। ये यकीन जब दिल के अंदर होता है तो फिर सारी मुसीबतें कम तर हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। इसलिए हजरत बिलाल इब्ने रबा अफ्रीका थे, गुलाम थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उन्होंने इन्हें खरीद कर आजाद किया मक्का के कुरैशी सरदार के पास, जो उन पर इस हद तक जुल्म करता था कि मक्का की तपती हुई रेतों पर लिटाकर गरम पत्थर और अंगारे अपने सीने में रख देता, चुनाते कराते थे, अहद अहद आपकी जबान से निकलता था। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसे खरीद कर आजाद किया तो एक दफा पूछा कि बिलाल यूं तो बताओ कि तू इस मुश्किल और तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करता था? हजरत बिलाल की बात सुनिए और दिल में बिठाए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने कहा जी मेरे लिए एक तरफ ये अजाब का कड़वा घूंट था और दूसरी तरफ ईमान का मिठास था। जब मैं ईमान के मिठास को सोचता था तो ये अजाब की कड़वाहट और तकलीफ इस हलावत के मुकाबले में मुझे कम तक नजर आती थी, मैं बर्दाश्त कर लेता था। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाक़ा अल ईमान, उसने ईमान का टेस्ट ले लिया। मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा, जिसने अपना मालिक और खालिक अल्लाह को बना लिया, अपना रब और पालनहार अल्लाह को समझ लिया, वबिल इस्लाम दीना, जिंदगी गुजारने का तरीका और ढंग इस्लाम को इख्तियार कर लिया और अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नबी और रसूल बना लिया, उसने ईमान का टेस्ट चख लिया। फिर बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आई, तकलीफ भी आई तो उसकी परवाह नहीं की। हजरत खुबैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा, इन दो का जिक्र आता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा को रोम के लोगों ने कैदी कर लिया, कैदी बना लिया, आप और आपके साथी थे। चुनाचे जब उनकी कैद में गए तो उन्होंने कहा कि इस्लाम को छोड़ दो, नसरानियत इख्तियार करो, ईसाई बन जाओ। फरमाइए नहीं हो सकता, क्या मुझे परवाह नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने एक कढ़ा बनवाया गया पीतल का, उसके अंदर तेल डाला गया और नीचे आग जलाई गई और उसको उबाला गया। जब उबल रहा था
उस वक्त मुसलमानों की जमात में से शख्स को उठाया और तेल के अंदर डाल दिया। देखते ही देखते हड्डियां भी खत्म, इतना गर्म थे। जिन पे हाथ था हजरत अब्दुल्लाह के लिए, ये नबी भी वक्त है, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे, कहने लगे डर गए। कहा डरा नहीं, डरा नहीं हूं, डरता नहीं हूं। मुसलमान मौत से नहीं डरता, जिसके दिल में ईमान है वो मौत से नहीं डरता। एक न एक दिन आनी है, चाहो भी फिर भी आनी है, ना चाहो फिर भी आनी है। अरे कोई इसका टेस्ट चखना है, चाहे बिस्तर मर्ग पे आए, चाहे रोड पर आए, चाहे फिजा में आए, चाहे पानी के अंदर आए, एक न एक दिन मौत आनी है। डर रो इसलिए रहा हूं कि मेरी एक जान है खत्म हो जाएगी। काश मेरे जिस्म पे मौजूद बालों के बराबर मेरी जाने होती और हर जान अल्लाह की राह के अंदर इस तरह कुर्बान होती जाती, मैं अल्लाह के यहां सुरखुरू हो कि अल्लाह के सामने आ जाऊं। ये क्या चीज थी। आज हम इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं ना तो 100 दफा CC करते हो, अब दर्द होगा, तकलीफ होगी, अब कैसे उसको बर्दाश्त करेंगे। मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, फिर कहते हैं लो भाई खून निकाल लो। ऐसा होता है कि नहीं होता सबके साथ। लेकिन एक तरफ ये देखें कि आंखों के सामने मौत को देख रहे हैं, फिर भी जबान पर हाँ, अगर वो कलमा कुफ्र कह देते, अगर कोई इस तकलीफ के अंदर पहुंच जाता है, कलमा कुफ्र कह भी देता है, तो इस्लाम उसकी इजाजत देता है। तुम जान बचाने के लिए कलमा कुफ्र कह सकते हो, इज्जत बचाने के लिए, जान बचाने के लिए तुम कलमा कुफ्र कह सकते हो। इल्ला मन उकरिहा वकल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, ये कैफियत हो तो इजाजत है। लेकिन वो जो कमाल ईमान का दर्जा है, वो जो रहती दुनिया तक पैगाम पहुंचना था, अल्लाह ने वो सहाबा को दिया। हजरत खुबैब ने बदर में कत्ल कर दिया एक काफिर को, मक्का के मुशरिक को। उन्होंने पैगाम भिजवाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, बाज ने कि हम मुसलमान हो गए, कोई हमें रहनुमाई के लिए उस्ताद चाहिए। हजरत खुबैब एक जवाब के साथ गए, अब उन्होंने पकड़ लिया। हजरत खुबैब को कत्ल करना चाहते हैं और कत्ल की तैयारियां और जिंदा सूली पे चढ़ाए। चुनाचे सूली पे जब चढ़ाने से पहले उनको आफर हुई, बल्कि जुमला कहा, ये देखो अबू सुफियान के बारे में आते, उसने कहा उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, कि अगर तुम्हारी जगह पे मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम्हें रिहा कर दिया जाता तो कैसे लगता आपको, तुम अपना अमन के साथ अपने घर के अंदर जिंदगी गुजारते। हजरत खुबैब इब्ने आदी रजी अल्लाह तआला ने जवाब दिया, तू ये बात करता है कि मेरी जगह पे अल्लाह के रसूल होते, तू मैं तो ये भी गवारा नहीं करता कि तुम ये मुझे आफर करो कि हम तुम्हारी जान बख्शी करते हैं, उसके बदले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांटा चुभाएंगे। मैं तो कांटा चुभाने पर भी अल्लाह के रसूल के लिए इतनी तकलीफ भी अपनी जान बचाने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। जान देना तो दूर की बात है, और फिर कहा कि मुझे इजाजत दो मैं 2 रकातें पढ़ता हूं। कहा तो पढ़ लो। नमाज पढ़ के फिर रोने लगे। कहा कि बस डर गए मौत से। कहा डरा इसलिए नहीं हूं, बल्कि मैं अपनी नमाज लंबी करना चाहता था, अपने रब से बात को लंबी करना चाहता था, लेकिन मैं दिल के अंदर ये ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये समझो कि मैं मौत से डर रहा हूं। मौत से मैं नहीं डर रहा, बल्कि मैं अब अल्लाह के लिए इस जहान से जाने के लिए मैं तैयार हूं, इसलिए और मुझे फख्र है अपनी जान अल्लाह के लिए देने पर। ये ईमान का टेस्ट था। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स ईमान का टेस्ट रखता है वो अल्लाह पर अल्लाह के साथ मोहब्बत और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता है, और वो नापसंद करता है कुफर की तरफ लौटे, ऐसे ही जैसे कोई शख्स आग के अंदर डाला जाए और कोई अपने आप को आग के अंदर डाला जाना पसंद नहीं करता, यही कैफियत उसकी हो कि मैं कुफर के अंदर इस तरह वापस नहीं जाऊंगा।
जैसे आग के अंदर डाले जाने को पूजा पसंद करता है। और तीसरी चीज ये भी फरमाई कि जो चीज अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए भी पसंद करे। ये ईमान का तकाजा है, ये ईमान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स का पड़ोसी उसकी जुल्म से महफूज नहीं वो मोमिन नहीं, चाहे वो पड़ोसी काफिर है या मुसलमान। जब पड़ोसी तक का इतना हक है तो फिर मुसलमानों को मस्जिदों में मारना, मस्जिदें तबाह करना और मुसलमानों पर बम बरसाना कहां इसकी इजाजत दे सकते। काफिरों की मारने की इजाजत नहीं है, चाहे वो पड़ोसी काफिर ही क्यों ना हो, उसका भी ख्याल रखने का हुक्म है। इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम ईमान अमन का पैगाम देता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसी से वाबस्ता नसीब फरमाए।